मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई, दिस इज द अनदर एपिसोड ऑफ ज्योतिर्लिंग आफ्टर महाकालेश्वर एंड वी आर नाउ विल बी हेडिंग टू ओमकारेश्वर टेम्पल, जो यहाँ से उज्जैन से जो महाकाल के बाजू में है, हम जहाँ रह रहे हैं अभी, यहाँ से 144 किलोमीटर से कैब बुक गई है। हाँ बट आई विल नॉट सजेस्ट यू, मतलब यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप गूगल कर लेना, जस्ट डायल पे पूछ लेना, काफी अच्छे हैं। बाकी बाजू में लक्ष्मी विला के बाजू में है। हाँ ये है, अच्छा शिखर वाला अच्छा लगा हमको देखने। हाँ, में तो अच्छे आपको अगर हो सकता है तो वीडियो पॉज करके नंबर ले लेना। ठीक है, बट एक चीज बताओ, कैब हमने मंगा के रखी है, कैब का प्राइस अभी बता देता हूँ मैं, 3500 हमने पे किया है फॉर 5 मेंबर्स। और अभी यूजुअली इफ यू कम टू उज्जैन एंड तुम होटल में स्टे करते हो तो यूजुअली उन लोग भी करके देते हैं एट द सेम रेट ओनली। इट्स अप टू यू कि तुम यहाँ से करो या तुम डायरेक्टली अपने आप करो, अप टू यू। और आपको है ना, कोई भी रेस्टोरेंट में आप खाने जाओगे ना, मतलब आपको एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, उज्जैन जा रहे हो, उज्जैन में आप आजू बाजू घूमोगे, हर मंदिर घूमोगे, कोई भी रेस्टोरेंट में बैठोगे ना आपको, तो मेनू कार्ड के साथ साथ ना कैब वाले का भी ये लिखा रहता है नंबर, और उन लोग का टाइप रहता है कैसे, और मैंने बहुत जगह नोट किया ये चीज़, तो आपको मिल जाएगा, इधर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑन द स्पॉट भी मिल जाएगा बुकिंग के लिए। ये लोग बैठे ही रहते हैं कभी भी, ये लोग का तो मतलब बोलूँगा ना डेली का धंधा है, और ये लोगों को बुकिंग्स फुल नहीं होती है लोग की। आई गए श्रावण में हूँ फिर भी बता रहा हूँ मैं। हम लोग डायरेक्ट आ गए ममलेश्वर मंदिर। हुआ यू के कैब में थे, पहाड़ी इलाका था, आते आते दो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया एक साथ, तो उसके चक्कर में हम 2 घंटा डिले चल रहे हैं, और अभी हमारे पास टाइम कम है, 12:30 तो यहीं हो गए, दोनों मंदिर के दर्शन अगर 3 बजे तक हो जाते तो सेट है, तो यहाँ से हमको वापस उज्जैन भी जाना है। रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं व्लॉग में बस कुछ ही चीज़ें दिखा सकता हूँ और एक टूर मरा सकता हूँ। एक ये यहाँ से रास्ता जाता है बाय वॉकिंग, एक ब्रिज बनाया है, वो ब्रिज में शायद कैप्चर कर किया है कि नहीं मेरे को पता नहीं, वीडियो में मेरे को वहाँ से व्यू मिलेगा तो मैं कैप्चर करके बताऊँगा। और एक बोट भी है, ये नर्मदा नदी, यह है भगवान मंदिर शिव जी का, ये पूरा नर्मदा नदी है, और ये रहा ओमकारेश्वर टेम्पल, और ये पूल है वहाँ से वॉकिंग वाला। सच्ची में वी आर ऑल आउट ऑफ टाइम, और हम सब लोग भाग रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से उज्जैन निकलना है और रास्ता बहुत कच्चा है, और यहाँ पे गाड़ियाँ जो चलती है भाई साहब, इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊँगा। मंदिर के अंदर है, ऑब्वियसली टाइम नहीं है, वीआईपी दर्शन के लिए भाग रहे हैं। वहाँ पे पूजा करवानी हो तो करवा सकते हैं।
ओंकारेश्वर के दर्शन VIP से हम लोग ने कर लिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हमें निकलना है फिर से उज्जैन और 10 मिनट में दर्शन हो गए और लाइन फटे है यहाँ पे, बहुत लोग आए हैं, 2 घंटा तो मिनिमम आए, मैक्सिमम नहीं मिनिमम। और हम जिस पुल पर खड़े अभी फिलहाल वो एक वॉकिंग पुल है डायरेक्टली जाने के लिए, देखो ये रहा टेम्पल और उसके आगे से भी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, बीच में यहाँ पे भी एक और पुल बनाया है और यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है क्योंकि अलग अलग वेज है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे बोट की सुविधा है, ये देखिए यहाँ पे बोट की सुविधा है और ये नर्मदा डैम, पूरा नर्मदा रिवर और ये डैम है पूरा और मेन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ये पहाड़ जो ओम के शेप में बना हुआ है जो कि गूगल मैप से दिख जाएगा आपको। बहुत अच्छे दर्शन हुए यहाँ, कहते हैं तीनों का वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके साथ पार्वती माता भी यहाँ पर है, ऐसा हमने अंदर पूछा तो हमको पता चला। मोमनेश्वर दर्शन करने के बाद हम गए ओंकारेश्वर डायरेक्टली और जैसे आपने वीडियो में दिखा रहे हम भागम दौड़ी करें, हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि हमको भी निकलना है उज्जैन, 6:55 की हमारी ट्रेन है वापस मुंबई के लिए और अभी लंच के लिए देखेंगे, लंच करने जाएंगे। सो ओंकारेश्वर दर्शन के बाद यहाँ पे है होटल पंचवटी, पीछे बहुत बढ़िया खाना है एक्चुअली, मैंने अब पूरे 2 दिन के ट्रिप में अब तक का अच्छा खाना मैं यही प्रेफर करूँ पंचवटी। तो आप लोग भी अगर ओंकारेश्वर आओ तो ये होटल में आके खा सकते हो।